हाँ इस्लाम का एजाज है सदा इम्तिहान नहीं लगा और इस्लाम के नाम अज अपन जवानियां कर दो तो फिर बुढ़ापे अपने देखना कितने कमाल हो जो दुनिया तो जान लगे ना तो आपका सारा आ गया साहब रहे बादशाह का पुत्र सी वो आ गया क्या उमर बिन अब्दुल अजीज कोई तरके अपनी औलाद वास्ते कोई रखता तेरी औलाद भुखी मर जाएगी। आपने जरा जुमला फरमाया कमाल है आपने फरमाया जे अल्लाह रसूल से बढ़े तो फिर रब इन्हें भुखे नहीं मरण देगा जे अल्लाह रसूल से ना बढ़े तो फिर उमर तुम्हें इन्हें लोड़ कोई नहीं। अल्लाह जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज जरा कहना ऐसे ना कि कुछ देख जा कौमी फलाने तेरे वास्ते विरासत फिर लोगों ने देखा कि उन्हें की औलादा जनाब दमिश्क की गलिया में भीख मंगने मनिया इस्लाम को रोड पे गई जहाज वास्ते घोड़े दी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की औलादा ने सैकड़ों घोड़े देते हलाल हमेशा बरकत होती हाँ हलाल हमेशा बरकत होती दसो भाई ऐ बराना चुचे है अमरीकी ऐ सारी दुनिया इस्लाम ना लड़ गई सारा कुछ आ गया है अफगानिस्तान सारी अच्छा लैके आ गए रब ने मुसलमानों को नहीं दिता इम्तिहान जरूर लिया भाई दो धाइया ने इम्तिहान लिया इस्लाम ने भाई दसो तो सही मेरे ना रहना लो इस्लाम ने तो जनाब अबू बकर उमर को फरदा के लिया फरदा के का मतलब इस्लाम सच्चे भाड़े नहीं लेता इस्लाम ने जनाब जिन्हें इन्नल्लाह नजर फी कुलूब लिबास अल्लाह ने असल में जिन्हें दिल में भेजा जिन्हें तो पाकिजा से किसी से नहीं पाए उन्होंने अपनी हबीब की गुलामी वास्ते मुंतखब किया लेकिन जब वो भी इस्लाम लाए इस्लाम से भी उन्होंने बदल चला गया कभी ओहद में चला गया कभी खंदक में कभी मुरासिद कभी मुस्तलक में कभी मरमूक में कभी जनाब कासिया फिर क्या रबी अल्लाह और हम बरबान सुभान अल्लाह ऐसे जनाब घर बैठे बैठे आज बात कहता ये शहादत गढ़े पर कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना हां इस्लाम जड़ा हां उस सदा इम्तिहान लेता भी नहीं हजरत अम्मार बिन यासिर जिन्हें खानदान की बड़ी कुर्बानियां इस्लाम से हजरत खताब बिन अरद एक सहाबी हजरत खताब बिन अरद जिन्हें दुआएं मोड़े हाथ रख दिया ना तो हाथ अंदर चला गया उन्होंने कहा खताब ये नहीं मसला उन्होंने कहा जब तुम इस्लाम की मुखालफत करते थे ना खताब अपनी चर्बी पे ला के इस्लाम मुखालफत अंगारे खड़े करता हूँ नसीब हाँ हजरत खताब उन्होंने चचा ना नंदे लपेट के चटाई से लपेट के अंगारे में रख देना जब तक आप चर्बी पिघल के अंगारे ठंडे नहीं सीखते उस वक्त तक चुप चुपता नहीं सी और हजरत बिलाल हाँ इस्लाम बड़ा डाटा इस्लाम हजरत बिलाल उमैया ने हजरत बिलाल बहुत तशद्दुद कीता मारिया जनाब सीनियों से पत्थर रखे आपकी जबान खुश हल्क की वजह बाहर आ जाती थी लेकिन हजरत बिलाल ने जब उमैया को देखे ना मैदान बदले राम फरमाता है भाई उमैया जरा ना उमैया इसकी बीवी बड़ी शानी थी इन्हें क्या भाई बदल ना जाना मैं तेरे मशवरा देनी है बदल ना जाने उन्हें क्यों उन्हें क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई भाई ये उस्मान ने मरना है शैबा ने मरना है बुजाल ने मरना है उमैया ने मरना तू बदल ना जाने वो जुबान जिसको सब खून की कुंजी कहे उसकी नाव पे हुकूमत के लाख और सलाम है जी उन्हें क्या उस जुबान से निकल गया तू मरना होते उन्हें क्या मैं जाना नहीं हूं मैं बस आया तेरे लश्कर को रवाना करके जा रहा वो की कह रहे इतना बड़ा सरदार है नाल नहीं जाता अल्लाह ताला फरमाता है जब वो बाहर निकले ना तो उस मकाम तक पहुंचे थे उन्होंने लश्कर आने के यार थोड़ा जो और गया जा ऐ कितना बुरा लगेगा कि सरदार वापस जा रहा है लश्कर जा रहा है वो थोड़ा और ला फरमाता है फरिश्ते ने उसी हुक्म देता हूं धक्के धक्के और बंदा बदल चला है हां जब तो धक्के धक्के बदल जाए जब तो बदल के गुण बनता बैठे ना कि फरिश्ते 1000 2000 4000 निशान लगे फिर ला फरमाता है अन्नी मां को मैं भी पाड़े ला ना जब आपने देखा तो फिर क्यों आया तो मैया नसिया चंगा मोटा सी मैया जब नसिया तो फिर इस्लाम की बदला लेने की बारी आ गई आज के लाल में कुर्दा रहा तो मैया जब जनाब सामने नसिया ना हजरत बिलाल ने नारा लगा पर मैया जाओ मैया हलक का बिलाल या जो मैया बचा तो बिलाल नहीं बचा साहबा ने दो टुकड़े करके रख दिया बदल मैया ने याद रखना इस्लाम के खिलाफ जड़ा भी आया इन्हें भी शोबे की औकात ही कोई नहीं ये तो है नहीं कुछ नहीं होता हकीकी तौर पर कुरैशी सन और बड़े आदर खान सन इस्लाम ने अबू जहल वर्गे नामा पार दिया मैं आजादी की जंग लड़ा था जनाब जब जान का वजीराबाद तक नहीं गया
खाली छरे लगे थे नहीं बारह छरे पटाखा चलिया जनाब उन्होंने बने जनाब खाने लाहौर मैं बस ये चुके नचर امام شاہ احمد مولانا صدیقی نال گیا کوئی حقیقی قائد ملت اسلامیہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جن سے خزانے گئے اے پہلے ٹریا ایک ہور آئے باروں انہیں کہتے ہیں اسی وزیر خزانہ اور تو لندن سے رپورٹ کیتا میں کہا لندن والے بھی بلا لو یوں یار والے بھی بلا لو واشنگٹن والے بھی بلا لو اتنے گل بولی چلا سکتا جس سال میں پاکستان بنے آ کے پاکستان کا مطلب کیا امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی میں عطا فرمائے اور